दोस्तों, आप लोगों को पता है यूरिया टैंक का फिल्टर कैसा चेंज किया जाता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको भी चेंज करना आ जाएगा। ये है हमारे पास टाटा BS4 गाड़ी और देख सकते हैं ये है यूरिया टैंक और इसके ऊपर लगा है डोजिंग यूनिट। देख सकते हैं ये है डोजिंग यूनिट और उसके बाद में एक फिल्टर और लगा है और ये सारे कनेक्टर लगे हुए हैं डोजिंग यूनिट के। तो इसे हमें रिमूव करना है और उसके बाद में सारे फिल्टर चेंज करना है। दोस्तों, इसमें टोटल 3 फिल्टर लगते हैं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें आना है डोजिंग यूनिट में और डोजिंग यूनिट के नीचे साइड में आप देख सकते हैं एक पत्ती लगी हुई है और एक स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डोजिंग यूनिट के सारे एक्सेसरीज ओपन कर लेना है, जैसे कि देख सकते हैं केबल, पाइपलाइन और कुछ कनेक्टर लगे हुए हैं। एक एक करके सारे को हम रिमूव करते हैं। डोजिंग यूनिट का कनेक्टर को आप जब रिमूव करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना है, बहुत ही हिसाब से उसे ओपन करना है। हर कनेक्टर में लॉक लगे होते हैं, आपको सबसे पहले उसको ध्यान से देखना है, उस लॉक को प्रेस करना है और उसके बाद में उस कनेक्टर को बाहर निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों डोजिंग यूनिट को इस प्रकार से पकड़ना है और आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रहा डोजिंग यूनिट और एकदम हल्का सा घुमाने के बाद में लॉक निकल गया और ऊपर हम डोजिंग यूनिट को अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बाहर ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों एक फिल्टर तो ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे साइड में लगता है। चलिए हम इसे बाहर रख लेते हैं और इस फिल्टर को निकाल के हम दूसरी फिल्टर चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्टर को निकालने के लिए आपको हल्का सा नीचे से पाइप से प्रेस करना है और फिल्टर को ऊपर खींच देना है, फिल्टर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। एकदम इजी है दोस्तों फिल्टर निकालना और फिल्टर चेंज करना। दूसरा दोस्तों एक फिल्टर देख सकते हैं, इसमें 41 का स्पैनर लगता है, 41 के स्पैनर से ओपन कर लें। उसके बाद में देख सकते हैं इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, यह है दूसरा फिल्टर। तो चलिए हम इसे भी साइड में रख देते हैं और जिस जगह पे जो डोजिंग यूनिट में जो फिल्टर लगा हुआ था उस पाइप से हमें हल्का सा फूकना है और फूकने के बाद में आपको फिर फूकने से क्या है पाइप क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा मोड़ा कचरा हो तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से आप नया फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाते समय आपको दोनों साइड के फिल्टर के होल को मैच करना है और उसके बाद में हल्का सा प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा फिल्टर लगाना है। देख सकते हैं ये भी फिल्टर लगाना एकदम ईजी है, इसको सीधा सीधा फिटिंग कर देना है, इसमें कुछ नहीं, एक दो छोटा सा होल है पतला सा, इसको इस प्रकार से लगाना है और इसमें ओरिंग का कॉलर बना रहता है, हल्का सी से इस प्रकार से प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं ये भी फिल्टर फिट हो गया। उसके बाद में ये फिल्टर सपोर्ट है, इसे चलिए हम लगा कर कैप को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों केप लगाते समय आपको ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको हल्के हाथों से आप सिर्फ हाथों से ही आप टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये डोजिंग यूनिट का फिल्टर चेंज हो गया, जो कि हमने दो फिल्टर चेंज किया है और तीसरा फिल्टर आपको दिख रहा है यूरिया टैंक के बाजू में लगा है। तो दोस्तों अब हमें डोजिंग यूनिट फिट करना है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप डोजिंग यूनिट को फिटिंग करना है। आपको एकदम सीधा सीधा जिस साइड से हमने उसे घुमाया था उसी पोर्शन पे हमें घुमाकर रखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने इस पोर्शन पे घुमाया था और इस पोर्शन से हल्का सा आप कॉलर देख के उसे नीचे, अगर उसका जैसा कॉलर मिल जाता है तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिर राइट साइड में घुमा देना है, तो जैसा घुमाएंगे वैसा एक देख सकते हैं लॉक पत्ती अपनी जगह पे आ गई है और उस लॉक पत्ती को अच्छे से टाइट कर देना है। उससे पहले चलिए हम कनेक्टर को फिटिंग कर लेते हैं, जो डोजिंग यूनिट से एसेसरीज हमने ओपन किया था जैसे कि कनेक्टर, पाइपलाइन और केबल्स वगैरह, वो हम सारे अटैच कर देते हैं, इसमें फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद में हम तीसरा फिल्टर चेंज करना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हो चुका है, अब हमें डोजिंग यूनिट का जो स्क्रू है उसमें स्टार एलंकी लगती है, जो कि देख सकते हैं स्टार एलंकी 5 mm।
दोस्तों, अगर इस एलंकी स्पैनर को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जो कि आप अमेजन से परचेस कर सकते। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 5 टूल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्टर को ओपन करने के लिए दोस्तों हमें हाथ से ही इस फिल्टर को ओपन करके देखना है। बट अगर नहीं ओपन होता है तो इसका भी एक स्पैनर आता है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये फिल्टर खुल चुका है और चलिए हम ये नया दूसरा फिल्टर हम फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिल्टर फिटिंग करने के लिए बस कुछ नहीं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने खोला है उसी प्रकार से हमने इस फिल्टर को भी फिट कर दिया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमने सबसे पहले तो डोजिंग यूनिट के जो अंदर वाली टैंक की फिल्टर है उसको चेंज किया, उसके बाद में डोजिंग यूनिट में जो लगा है उस फिल्टर को चेंज किया, और तीसरा फिल्टर है ये बाहर वाली जो कि हमने इसको चेंज किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी टाटा BS4 का यूरिया फिल्टर चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।